धन्यवाद बालिया जी। हमारी एकता जिंदाबाद, आकर्षण उपल को रिहा करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, लगा लिए नारे, हो गई मुर्दाबाद जिंदाबाद। और आपको लगता है कि सरकार अपनी बात मान लेगी। जब किसान आंदोलन में 13 महीने तक हम लोग बॉर्डर्स पर बैठे रहे, टिकरी बॉर्डर पर परमानेंट ठिकाना था मेरा, और हम चर्चा किया करते थे कि आप लोग यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, क्या आपने देखा है कि आपको यहां बिठाकर आपके घरों पर कैसे आक्रमण किया जा रहा है? क्योंकि पुराने टाइम में चोरों की यह नीति हुआ करती थी कि 2-4 चोर होते थे, इकट्ठे होकर के प्लान करते थे, और जो भैंस के गले में घंटी थी उसको खोल करके चोर दूसरी दिशा में चल पड़ता था, जिस दिशा में एक चोर भैंस को लेके जा रहा है, जिससे जो भैंस का मालिक है वो उस घंटी के पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए दूर तक चला जाता था। मुझे बहुत से आंदोलन हुए लगातार। मैं 2004 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना अपने टीचर्स यूनियन का, हरियाणा सरकार में टीचर था, और उसके बाद आंदोलनों में रहा, 8-9 साल नौकरी करी, और जब समझ में आया कि सरकारें सिस्टम को खत्म करने चल पड़ी है तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी कि अपना एक अलग सिस्टम तैयार करके लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चों को आपकी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है। आपकी हमें से हमको जानते थे वो अब कहने लगे कि जो आपने 10 साल पहले बताया था वो अब ठीक हो रहा है, अब असच हो रहा है। 22 दिन से अभी भी हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, वहीं जंतर मंतर पर ही थे, और कल वहां से कहकर के हम निकल गए कि भाई ये धरना ऐसे नहीं जीता जाएगा, ये तय है। क्योंकि कल के जो वक्तव्य में मैंने अपनी बात करी, मैंने एक बात पूछी थी कि ब्रजभूषण ये कहता है कि अगर अमित शाह कह देगा, अगर नरेंद्र मोदी कह देगा और जेपी नड्डा कह देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, कानून कह देगा कुछ नहीं, जनता कह रही है कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि आप पार्लियामेंट के मेंबर हो इस वक्त, और आपके खिलाफ आपको जांच के लिए बुलाने, आपको गिरफ्तार करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष की अगर मंजूरी चाहिए तो उसको मंजूरी शायद मिलेगी नहीं, तो पुलिस इसीलिए शायद मंजूरी मांग नहीं रही। तो ऐसा क्या है ब्रजभूषण के पास इन लोगों के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, नड्डा के खिलाफ या मोदी के खिलाफ? कोई CD है, कोई कागज है, कोई क्या चीज है भाई जिसमें वो सीधा नाम लेके बोलते हैं कि ये कहेंगे तो मानूंगा? लैंड ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं, संविधान क्या कहता उसका कोई मतलब नहीं, देश के लोगों का कोई मतलब नहीं। अब या तो उसके पास कोई ना कोई ऐसे सबूत है, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें उस ऊपरले वाले नेतृत्व को पहुंचाता है, या तो कोई अब क्या देता है हमें तो नहीं पता, जिसके दबाव में आकर के मोदी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पूरे देश की भावनाएं पहलवानों के साथ है। फिर हमने कहा कि पहलवान को तो सीधी लड़ाई लड़नी आती है, वो तो जब हम बात करते हैं कि मैं पहलवान जी ऐसे ऐसे करके बात होगी, बोला जी हमने तो पता नहीं क्या आग्रह, अब उनको तो सीधी लड़ाई आती है, सामने से कोई टक्कर आ जाए दा मारना तो आता है, पॉलिटिक्स करनी तो नहीं आती। वो लोग कहते हैं कि ये तो एक घर का, एक जाति का, एक स्टेट का धरना है और किसी का धरना नहीं है, और हमारे पहलवान उसकी सफाई देने लग जाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि जब आप कबड्डी और कुश्ती करते हैं तो उनके पाले में जाना ज्यादा सेफ रहता है या अपने पाले में खेलना सेफ रहता है? बोले जी अपने पाले में, तो फिर तुम अपना वो छोड़ रहे हो, उनके जवाबदारी में क्यों लग जाते हो? फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बहुत शानदार तरीके से सरकार एक टेस्ट कर रही है इस देश के लोगों की नपुंसकता का स्तर, कि कितने लोग निकल के आएंगे घर से, कब तक निकल के आएंगे, क्या क्या कहेंगे यहां बैठ करके,
क्या वो अपना अपनी राजनीति चलाने लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद, क्या वो अपना कुछ करने लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद, और फिर उसका उसका बहाना लेकर के फिर कह देंगे कि ये तो देखो ये लोग थे इनके सपोर्ट से बैठे हैं, ये तो इनके सपोर्ट से बैठे हैं। क्या सरकारें ये देख रही है कि जैसे 13 महीने तक किसानों का संगठन बैठा रहा था, पहलवान भी बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे? क्या सरकारें ये देख रही है या बता रही है देश की जनता को कि जो पूरी दुनिया में नाम कमाकर आए, जिनके चेहरे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने पीएमओ में अपना डिनर ऑर्गेनाइज करके पूरी मीडिया इवेंट करी कि हम खिलाड़ियों का इतना सम्मान करते हैं, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जिस वक्त करना था, और आज जब वो न्याय की मांग कर रहे हैं तो उस वक्त में प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं है, जैसे जबकि उसके घर से मात्र 2 किलोमीटर भी नहीं है वो जगह। इसका मतलब वो क्या कह रही है, सरकार सीधे सीधे आपको, हमको और इस देश के लोगों को एक चेतावनी दे रही है, एक मैसेज दे रही है कि देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पहलवान जो इस देश की शान है, अगर हम उनकी भी नहीं सुन रहे तो तुम किस खेत की मूली हो, हम किस खेत की मूली हैं। देखिए सदियों से हम लोग लड़ते आए हैं, हमारे पुरखों की इतिहास रहा है, यहां मुगल आए हो अंग्रेज आए हो वो अड़े रहे, बाहर का आदमी उन्होंने नहीं घुसने दिया, उनका क्या करे जब हमारे ही बीच के लोगों को उन लोगों ने खरीद करके वहां बिठा दिया और हमारे बीच भी भेज दिया हमारा ही सत्यानाश करने के लिए। वो लोग आपके अंदर एक भावना पैदा करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर और आपके अंदर, क्या होपलेसनेस, निराशा की, कि आपको ऐसा लगे कि ये तो सबके साथ हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, आपने कोशिश करके देख ली, आपने कोशिश करके देख ली। अभी हमारे साथी डीसी को दफ्तर वो देकर गया है डीसी दफ्तर में, ये योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है समाज के हर तबके के ऊपर आक्रमण, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग, सबके अपने झंडे, सबकी अपनी दुकान, मैं सोचूं मेरी दुकान तेज चले, वो सोचे उसकी दुकान बढ़िया चले, वो सोचे उसकी दुकान, और उनका लगे कि उनका चेहरा चमके, क्या करने के लिए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को साथ नहीं ले रहे हैं, समाज के बीच में नहीं जा रहे हैं। हमने धरने पर एक प्रस्ताव रखा कल सबके सामने, जनता के सामने, और जनता ने उस बात को स्वीकार किया, और हमारा तो मानना ही है जनता सरकार है, जगह की जनता ही सरकार है। आज से 1.5 साल पहले जिस वक्त मुझे जेल हुई, मैं 3 दिन जेल में रहकर आया, सरकार को मैंने खुली चेतावनी दी कि तुम जेल में भेजो, तुम गोली मारो, कुछ भी करो मंजूर है, लेकिन हम मास्क नहीं पहनेंगे, ना ही हम चालान देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो। निकले जब वहां से, उसके बाद में भावनात्मक रूप से लोगों ने बहुत कहा कि हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए, आप करिए। हमारा कहना क्या था कि नहीं, अगर आप एक व्यक्ति को चेहरा बना दोगे, एक व्यक्ति को हीरो बना दोगे, तो पूरे के पूरे आंदोलन को, समाज को लपेटना बहुत आसान है, इसलिए हर घर से एक क्रांतिकारी हमको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार ये समझ नहीं पाएगी कि किसको लपेटे। और हमने फिर एक संगठन तैयार किया, जनता सरकार मोर्चा, लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा संगठन है, हमने कहा ये किसी का संगठन नहीं है, हमने उसके अंदर एक चीज की ख्याति रखी कि उसका कोई प्रधान ही नहीं है, उसका कोई मेंबर ही नहीं है, उसकी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। उसका मतलब क्या है कि भाई देश के लोग देश के मालिक होते हैं, हमारा मकसद है देश के लोगों के बीच जाकर यह बताना कि तुम मालिक हो, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुमको जिस दिन पता चल जाएगा कि तुम मालिक हो और यह बैठा हुआ डीसी हमारा नौकर है, जिस दिन इस देश का किसान डीसी को यह कहने लग जाएगा कि नौकर है, नौकर की तरह बिहेव कर, बकवास करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन पुलिस वाले को यह बताने लग जाएंगे कि तुम पब्लिक सर्वेंट हो, सर्वेंट, तुम मालिक नहीं हो, और जब यह नेता को प्रतिनिधि की तरह जब जाकर के हाथ जोड़ने के बजाय जब लिख कर देंगे कि ये गांव, ये ग्राम सभा आदेश पारित करती है, तुमको आदेश पारित करने की स्थिति में देश के लोगों को लाना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये कहा कि जितने संगठन समाज के लिए बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, आओ मिलकर के काम करते हैं और अपनी ताकत को उतने ही गुणा कर लेते हैं जितने संगठन है।
मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए 10 संगठन और हम 10 के 10 ये कह दें कि हम एकजुटता से लड़ रहे हैं, एक भी संगठन के व्यक्ति के ऊपर कुछ भी जांच आने लगे, बाकी के 10 के 10 अगर खड़े हो जाए कि तुमने इसको कैसे हाथ लगा दिया, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी एक भी आदमी की तरफ हाथ उठाने की। यहां सारा झगड़ा एक बात का हो रहा है कि हम अलग अलग अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि ये जो सामने बैठा है ना, ये मेरा दुश्मन है। हम लोगों के बीच में ये डाल दिया गया, रिजर्वेशन वाले व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया कि जर्नल वाला आदमी तुम्हारा हक खा रहा है, और जर्नल वाले के दिमाग में डाल दिया कि रिजर्वेशन वाला तुम्हारा हक खा रहा है। जहां पर ये वाला मुद्दा नहीं फिट बैठते, वहां पे कह दिया कि किसान जो बैठा है वो तुम्हारा हक खा रहा है, इसको फ्री की बिजली मिल रही है, इसको ये मिल रहा है। जहां ये वाला काम नहीं करता, वहां कह देता है जाट तुम्हारा हक खा रहा है। जहां जाट नहीं होता है, जहां जाट ताकतवर नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश में चले जाओगे वहां राजपूत हक खा रहा है, जहां पे थोड़ा और आगे चले जाओगे गुजरात में वहां पटेल हक खा रहा है, इधर आ जाओगे यूपी में यहां मुसलमान आपका खा रहा है। मतलब आपको आप ही के पड़ोसी को आपका दुश्मन दिखा दिया और असली दुश्मन कहीं आपके साथ खेल रहा है, और हम लोग अपने ही लोगों को, अपने ही भाई बहनों को अपना दुश्मन मान करके हम ये मान के बैठे हैं कि इसने हमारा हक खाया, जबकि असलियत में हम सबको निचोड़ने का काम वो लोग मिलकर कर रहे हैं। आज एक पार्टी की सरकार है, इससे पहले एक दूसरे की सरकार थी। आज एनडीए की सरकार है, इससे पहले यूपीए की सरकार थी। हम लोगों के अंदर इतने भी समझ ले हैं कि जब 2014 में 282 सीट आई थी, उनमें से 144 पार्लियामेंट के मेंबर वो थे जो यूपीए में पार्लियामेंट के मेंबर थे। मतलब हमको लग रहा है कि हमने सरकार बदल दी और हम लोग जीत जाएंगे। आपके बीच में ही सीआईडी के लोग बैठे हुए हैं, वो आपके चेहरों को देखते हैं कि कितने जाने पहचाने चेहरे हैं, कितने संगठन आए हैं, माइक से कैसी बातें करते हैं, वो बातें करने के बाद ये जाके क्या करते हैं। इनका फोकस टेलीविजन में, मीडिया में बाइट देना है, इनका फोकस अखबार में अपनी पोस्ट छप, अपने खबर छपवाना है, या वो यहां से निकलकर गांव के लोगों को जगाने के लिए जाएंगे, और जाएंगे तो इनका मकसद क्या है वो पूरी सीआईडी की रिपोर्ट देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये लोग गांव में जाने लग गए, और इनकी बात का मुख्य धारा का सवाल ये होता है कि भाई ये सरकार बदल दो, क्योंकि यही फीलिंग 2011 में थी। हम लोग थे यूपीए की सरकार को बदलने वाले लोगों में, मैं शामिल था प्रैक्टिकली। मैं रामदेव के साथ भी खड़ा था, मैं अन्ना के साथ भी खड़ा था, मैं फिर केजरीवाल के साथ भी खड़ा हुआ, और उसके बाद में फिर जब यहां से आए, अब लगने लगा कि इनको भगा लो तो पीछा छूट जाएगा। अब मतलब हम लोग सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि पहले तो 5 साल कहेंगे कि अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, हनीमून पीरियड खत्म होएगा तो बोलेंगे अब की बार 5 साल में तुम्हारे तसल्ली बख्श काम करेंगे। वो तसल्ली हमारी कैसी बिठाई, देखो किस तरह के काम करेंगे। हमने कहा भाई साहब, सत्ता परिवर्तन करना समाधान नहीं है, पार्टियों को बदलना, सरकारों को बदलना समाधान नहीं है। अगर समाधान ही करना चाहते हो तो समाधान के लिए बैठना पड़ेगा, समाधान के लिए तो चर्चा ही नहीं होती है, समस्या समस्या पे चर्चा हो रही है। आज हम इन बेटियों के लिए खड़े हैं, कल को मान लीजिए किसी गरीब आदमी की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और वो यहीं पर धरना लेता है, हम सारे आएंगे क्या? क्योंकि आज तो हमें पहलवानों के साथ वो करने का, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक परमानेंट पीड़ा है समाज के लिए, लेकिन हमारी परमानेंट पीड़ा से तो बात बन नहीं रही ना, क्योंकि यदि हमारी परमानेंट पीड़ा से बात बन रही होती तो समाधान हो चुका होता। समाधान कैसा समाधान कि चाहे कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हो, चाहे मेरे गांव का कोई गरीब आदमी हो, किसी की भी बेटी की तरफ कोई आदमी गलत नजर से देखने की हिम्मत ना कर पाए, वो व्यवस्था समाज को करनी पड़ेगी। आप आरोप लगा रहे हैं, अगर एक लड़की कह रही है मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मैं अगर किसी की बेटी को अगर हाथ लगाऊंगा, क्या उसको मालूम नहीं होगा कि मैं उसको किस नियत से हाथ लगा रहा हूं? उसको सब मालूम होता है, सारा कुछ पता होता है। और सिर्फ हाथ लगाना छोड़िए, हमारी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को तो स्पेशल एक पावर दी गई है, अगर वो सामने वाले की आंख में आंख डालकर देख ले तो 5 सेकंड के अंदर सामने वाले की नियत पता चल जाती है कि उसकी नजर कैसी है।
इसमें तो हाथ लगाने की तो जरूरत भी नहीं होती है। कॉमन उनके अंदर तो परमात्मा ने ऐसी वो दिया कि सामने वाले का पूरा स्कैन हो जाता है कि ये कैसा आदमी होगा, ये घर में घुसने लायक है कि नहीं है, नजदीक आने लायक है कि नहीं है। और यहां पर खड़े होकर के पूरे देश के सामने वो लोग न्याय मांग रहे हैं और वो सबूत मांगते हैं, बताओ। हाँ, और वो सरेआम कह रहा है। अभी तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी पिछले 4-5 दिन पहले की, उसमें लिखा हुआ है कि वो ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहा था, वो छाती पर हाथ लगाकर पेट पर हाथ लगाकर सांस लेने का पैटर्न चेक कर रहा था, कमाल का स्टेथोस्कोप लेके बैठा है हाथ के अंदर ही, मतलब वो सारे पैटर्न चेक कर लेता है, ऐसा कमाल का डॉक्टर तो मतलब कैसा दिया है सरकार ने हमको नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कहता हूं मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, माताओं, कि ये जो धरना है यहां पर धरना चलता रहे, हम लोग ऐसा क्या करें उन संगठनों को लेकर के आए जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, कि आओ मिलकर के बैठ के बात करते हैं, इस मुद्दे को गांव गांव लेकर के जाते हैं, ग्राम सभाओं से आदेश पारित करवाते हैं, वहां से जाकर रेफरेंडम हम सरकार को भेजते हैं, लोगों के माध्यम से लोगों के ईमेल करवाते हैं, लोगों से चिट्ठियां डलवाते हैं, पोस्ट कार्ड डलवाते हैं और प्रधानमंत्री को सरेआम लिख करके अपने फेसबुक पे लगाते हैं कि लानत है तुम पर, हमने तुमको प्रधानमंत्री चुना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं जो अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। ये हमको करना पड़ेगा घर घर जाकर के, क्योंकि लोग अभी नहीं आ सकते, डरे हुए हैं, उनको लगता है मेरे बोलने से क्या होगा, उनको लगता है कि बहुत बोल लिए। जब लाखों किसानों की बात सुनने में 13 महीने लगा दिए, तो वहां पर जंतर मंतर पर कुछ लोग बैठे होंगे, 1,000, 2,000, 5,000 लोग होंगे, उससे ताकत बनेगी क्या, क्या फर्क पड़ता है उनको। सारी की 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, 10 पार्लियामेंट की सीट है, उनमें से ईवीएम के माध्यम से 5-4 सीट 2-4 सीट वैसे ही मैनेज कर जाएंगे, या जो जन नेता होगा उससे, जैसे कैप्टन अमरिंदर से करवाया था वैसे ही हमारे कांग्रेस के किसी लीडर से करवा देंगे, नई पार्टी बनवा देंगे, हो गया काम खराब। क्या लगता है हमारे को फिर होपलेसनेस की स्थिति। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो सरकारों के बदलने की बजाय व्यवस्था को बदलने की दिशा में हम लोग काम करें, और दूसरा ये धरना, यदि ये धरना लंबा चलता है तो यह धरना केवल इन महिलाओं के सम्मान का ना रहे। यहां पर डीसी दफ्तर में या यहां जगाधरी की कोर्ट में, यहां यमुनानगर के अंदर कितने मामले लंबित हैं यौन शोषण के, कितने मामले लंबित हैं बलात्कार के, अलग अलग जिलों की अदालतों में, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों ना हम लोग बैठ करके ऐसा निर्णय ले कि जितने भी मामले लंबित हैं आओ यहां से बात करते हैं हम इस धरने से, क्योंकि ये यौन शोषणकारियों के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये लड़ाई अगर आज हम लोग हार जाते हैं, यकीन मानिए हमारी बेटी जहां भी होगी कल को बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जैसे मेरे एक साथी ने कुछ दिन पहले हमसे पूछा था कि यार आप पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, और हमने एक निर्णय लिया, मैं आपको बता देता हूं, हमारी साइंस है, मेरे पास एक ऐसी साइंस है जो पूरे सिस्टम की ताकत, जो पूरे गांव के गांव बदल देगी, जो पूरे हालात को बदल देगी। मेरा क्लाइंट अमेरिका इंग्लैंड से आता होता था, गांव में तो मैं जाता भी नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था कि गांव के लोग इतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पास कैसा दिमाग है, परमात्मा ने उसको किस तरह के काम करने के लिए बनाया है। तो गांव में 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम लोग काम करने के लिए चले। लोगों ने यह कहा कि जब मैंने वो पूरा का पूरा सिस्टम बंद करके और गांव के लोगों को जगाना 2016 में शुरू किया था, और जो पिछले लॉकडाउन लगा था, ये लॉकडाउन लगने से पहले हमने लोगों को बताया था, जब ये वैक्सीन आई थी आने से पहले बताया था, इसकी सच्चाई बताई थी कि अपने बच्चों को बचा लेना आने वाले टाइम में। लेकिन लोगों को यह लगता था कि मास्टर जी का दिमाग खराब हो गया, पढ़ाना छोड़ गई है, सरकार के खिलाफत करने लग गया। हमने ये उन्होंने कहा कि क्या ऐसी चीज है जिससे इतनी ऊर्जा मिलती है कि बदले में कुछ चाहिए भी नहीं। हमने ये निर्णय लिया था हम कभी भी अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदेंगे, कभी जीवन में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं लेंगे जहां पर हमें फार्म भरना पड़े, हम पूरी ताउम्र लोगों को जगाने का काम करेंगे। तो बोले कि क्या ऐसा कारण है कि आप ऐसा काम कर रहे हो, तो हमने एक बात कही थी कि जब किसी भी इंसान के साथ अन्याय हो रहा होता है तो मैं हमेशा ये सोचता हूं
कि यहाँ इसकी जगह पर अगर मेरा बेटा होता, यहाँ अगर मेरी बेटी होती, मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, मेरा बाप होता, अगर मैं होता तो मैं क्या करता? क्या मैं तब भी चुप रहता? अगर एक्सीडेंट में यहाँ पर किसी का बच्चा मर गया है और मैं उसको पास से ऐसे ही गुजर जाऊंगा बिना देखे कि मेरा बच्चा, अगर मेरा बच्चा होता क्या मैं तब भी ऐसे ही गुजर जाता? क्या मैं सरकार से सवाल नहीं पूछता कि जिम्मेदार कौन है? अगर कि कोई बिजली का करंट लग के मर जाता है, खेत में किसान आत्महत्या कर रहा है, अगर कोई ऋण नहीं चुका पा रहा है, अगर कोई और काम है, अगर कितने सारे अन्याय हो रहे हैं, अगर वो अन्याय मेरे साथ होता तो क्या चुप रहता? ये चीज ऊर्जा देती है कि मैं उसके अंदर अपने परिवार का एक अक्ष देखता हूं। इसलिए हमने एक और कार्यक्रम चालू किया। क्या आपको नहीं मालूम होगा, हमने रुपए के ऊपर बहुत लंबी रिसर्च करी हमारी टीम ने। जनता सरकार मोर्चा के पास ऐसे कागजात अवेलेबल है कि समाज के अंदर जितना भी किसान तबका और दूसरे तबके, जितना बड़ा मर्जी लोन हो, उसकी चुपता जनता सरकार मोर्चा करेगा। यमुनानगर के गौरव भाई यहाँ पर आपके बीच खड़े हैं, उनसे मिल सकते हैं आप। वालिया साहब भी हमारे साथ ही हैं। दूसरी बात, इस धरने को यदि हम चलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हम प्लान कर रहे हैं कि हर जिला सचिवालय के बाहर पे एक धरना कम से कम चालू हो, वहां रोज कम से कम पांच लोग बैठे, लोग कम से कम पांच लोग भूख हड़ताल पर, बाकी लोग अपने धरने को चालू रखें, आना जाना चालू रखें, और उसके अंदर केवल इन महिलाओं की, पहलवानों की बात ना की जाए। ये तो है ही है, इसके साथ साथ हम ये कह देते हैं, हमने कल भी कहा था वहां कि इस धरने के ऊपर पहलवानों ने शुरुआत करी है और इनके कंधे पर बहुत बड़ा भार है, अब देश के लगभग हर तबके की आवाज हम लोग इन्हीं धरनों से उठाया करेंगे। आने वाले टाइम में किसान आंदोलन की तर्ज पर इस धरने को बहुत बड़ा करने की जरूरत है, सारे तबकों को साथ लाने की जरूरत है, चाहे जो मर्जी संगठन है, चाहे जो मर्जी गांव है, ग्राम सभा को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे तीन मुख्य हमारे ध्येय हैं। पहला ध्येय शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और राजनीति, इन चार चीजों में से पैसे को निकालकर बाहर करना है, पूंजीवाद को निकालकर बाहर करना है। अगर शिक्षा में पूंजीवाद हावी रहेगा तो गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अगर राजनीति में पूंजीवाद हावी रहेगा तो केवल अमीर लोग राजनीति करेंगे, स्वास्थ्य में अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो अमीरों को इलाज मिलेगा, और इसी तरह से न्याय में भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो तुमको यहां पर आकर के सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, सरेआम हो रहा था, और हम लोग नहीं जान पा रहे थे क्योंकि हमारी रोटी को उन लोगों ने काबू कर लिया। अब की बार वो ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम पहले से बता रहे हैं आपको, आपका आधार कार्ड आपकी जिंदगी की हर चीज के साथ जुड़ चुका है, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, खेत के कागज, ट्यूबवेल का कनेक्शन, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, आपके आईटीआर, जितनी चीजें हैं सबके साथ जुड़ चुका है। अगली बार जब आप जाओगे सचिवालय के अंदर, जब उनको आपके पेट पर काबू करना होगा, तो आपका आधार कार्ड इनएक्टिव है ये कह करके आपको बोल दिया जाएगा कि तीसरी डोज लगवा के आ, उसके बाद बात करना। और लोग ये कहते हैं कागजों में बनवा लेंगे, तो हम आपको बता दें स्कैनर तैयार हो रहे हैं, रोबोट्स तैयार हो रहे हैं, गाजियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर बहुत बड़ी 1000 एकड़ में फैक्ट्री में अडानी और अंबानी के रोबोट तैयार हो रहे हैं यहाँ पे खड़े होने के लिए। सीसीटीवी कैमराज जो लगाए जा रहे हैं, ये जो आदेश पत्र का लगाए जा रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है ना हर चौक चौराहे के ऊपर, ये आपको आदेश देने के लिए बनेंगे। हर चौराहे पर ये लगेंगे, ये जो स्पीकर लगे हुए हैं, ये आदेश सचिवालय से पारित होगा, कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा तो सीसीटीवी कैमरे में चेहरे से पहचान होकर के आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड है, उधर से ही फाइन अपने आप कटने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको पकड़ करके पुलिस चालान नहीं काटने वाली है, गाड़ियों के चालान भी अपने आप कटेंगे, चेहरे के चालान भी अपने आप कटेंगे, आपके आधार कार्ड भी बैन होगा, और जब तक आप लोग पूरी तरह से काबू नहीं हो जाओगे, आपकी रोटी, आपका पानी उनके काबू नहीं हो जाएगा, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका जिक्र 3 बार प्रधानमंत्री कर चुका है, अपनी हर स्पीच के अंदर बोलता है कि भारत का बहुत बड़ा रोल होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, G20 के जरिए आपको लपेटने की तैयारी चल रही है, आपको पता भी नहीं है। इसलिए ये लड़ाई अलग अलग लड़ने की है ही नहीं, यही के इसलिए हमारा कहना यह है कि गांव के अंदर जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चार चीजों के बारे में निर्णय लेने की क्षमता हमारी होनी चाहिए, हमारा काबिलियत, हमारी योग्यता, हम तय करेंगे हमको क्या चाहिए। हमारे जंगल से रिलेटेड तुम लोग तय नहीं करोगे, हमारा जल तुम्हारे काबू में नहीं होगा, पानी तक के कनेक्शन जबरदस्ती दिए जा रहे हैं आपको, आपके गांव का सामूहिक पानी खराब किया जा रहा है,
स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, श्यामलात की जमीन, जोहड़ की जमीन और गांव की जितनी सामूहिक जमीन थी सारी की सारी जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है। भाई साहब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके सबको, आपके बच्चों को जिस जिस चीज की जरूरत है सरकार अपने नाम कर चुकी है। और जो आपके पास प्राइवेट ओनरशिप है, चाहे आपकी गाड़ी की हो, चाहे घर की हो, चाहे खेत की हो, सबकी जमीन खेत बैंकों के पास नीलाम पड़ी हुई है, सबके कागज बैंकों में 99% लोग जमा काबू करने के लिए। यानी कि वो जो 2016 में 17 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वेबसाइट पर कहा था बहुत शब्द शब्दों में कि हम पूरी दुनिया में 2030 तक ऐसा शासन लाने वाले हैं, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, आप किसी चीज का मालिकाना हक नहीं होगा, बाकी जमीन जायदाद मकान तो छोड़ दीजिए, बैंक अकाउंट तो छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों पर मालिकाना हक नहीं रख सकते, आप अपने शरीर पर नहीं रख सकते। 28 नवंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी एक केस के माध्यम केस के अंदर कि अगर आपने बिल गेट्स की पेटेंट वाली वैक्सीन ले रखी है तो अब आपका शरीर आपका नहीं है, नाउ यू आर सब्जेक्ट टू द बिल गेट्स कंपनी, क्योंकि उसका पेटेंट उसके नाम पर है, आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स अब एप्लीकेबल नहीं है। और ये आने वाले टाइम में हम सबके साथ होने वाला है जिन जिनने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। आपको तय करना है कि आप और हम अलग अलग लड़ाई लड़ते रहेंगे या मिलकर के अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आगे आकर के प्रोएक्टिव होकर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रास्ता है, क्योंकि हम जिस तरह से चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप कर क्यों रहे हो, हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, बस ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सबके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा थीम ये है कोई नहीं जीतेगा जब तक सब नहीं जीतेंगे, सबकी जीत में ही मेरी जीत है, मेरा पड़ोस अगर जब तक सुरक्षित नहीं होगा मैं अपने बच्चे को कब तक नशे से बचाऊंगा, भाई मेरे पड़ोसी का बच्चा बंदूक लेके घूमता होगा तो मेरे बच्चे को लगना तय है एक दिन, अगर वो नशे का इंजेक्शन लेके घूम रहा है तो मेरे घर में भी नशा घुसेगा एक दिन, मैं नहीं बचा सकता अपने बच्चे को अपने पड़ोसी के बच्चे को बचाए बिना, इसलिए अपने गांव को बचाए बिना, अपने समाज को बचाए बिना आप अपने परिवार को नहीं बचा सकते दोस्तों। ये लड़ाई उसी चीज की है कि ये लड़ाई वहां से आकर के आपके एक एक परिवार तक जुड़ना चाहिए। इसलिए ये दर्द लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी घूम रहे हैं, आप लोग जितना हो सके अपने अपने एरिया के अंदर आप अपना अपना जनता सरकार का मकसद सिर्फ वर्ड यही है, जनता सरकार, भाई हम मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, तुम नहीं हो, हमारी वोट की ताकत से तुमको ताकत मिलती है नीतियां बनाने की और हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी मिलती है, ये बताना है हमने। इतनी सी बात मैं कहूंगा, सबका समय मैं ज्यादा ले गया, आप हाँ जी किस पे, हाँ दो लाइन बोल देता हूं, बस दो लाइन, ज्यादा कोई बात नहीं, मैं फिर आपके बीच आ जाऊंगा। पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है, इन्होंने बहुत सही याद दिलाया है, 2017 का ड्राफ्ट बचा हुआ है, जितने वकील साथी आप एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों के समझ में नहीं है, आपको पता नहीं है, मॉडल APLMX 2017 में पास कर दिया था चुपके से, आप डंगर नहीं रख सकते उसके तहत, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक APLM एंड मार्केटिंग, लाइफ स्टॉक मार्केटिंग, ये था मॉडल APLM। और अभी जो है पेंडेमिक ट्रीटी पड़ी हुई है, 2020 में हम लोगों ने जो विरोध किया था तो लगभग 1.5 लाख ईमेल हमने PMO भेजे थे, उसके बाद वो रुक गया था, अभी दोबारा से आया है, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के मेंबर ने बोला है कि UK तो साइन करने वाला है और इंडिया भी G20 में फाइनल कर लेगा कि उसके ऊपर साइन करेगा ट्रीटी के ऊपर, उसका नाम है पेंडेमिक ट्रीटी। पेंडेमिक ट्रीटी में 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आपकी मर्जी के बिना अगर आपके घर में वायरस है, इस बात का अगर किसी सरकारी अधिकारी को शक है तो वो आपके घर में घुसकर आपकी उस चीज को डिसइंफेक्ट कर सकता है और आप उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं कर सकते। खेती के 3 कानूनों में अगर आपको ध्यान हो तो एक लाइन लिखी हुई थी कि किसान अपने डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता, जो वकील लोग हैं उनको मालूम है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको नेचुरल जस्टिस से ही बाहर रख दिया गया। और फिर ये बोला गया था, अगली लाइन थी कि यदि किसान गलती से कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं है उस केस को एंटरटेन करने का। यही काम इस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि आपके घर में अगर आपको लगता है, जो मैं डिसइंफेक्शन के मतलब बता रहा हूं जो लिखे हुए हैं उसके अंदर, टू किल, टू बर्न,
मतलब उसमें लिखा है कि आप उसको आग लगा सकते हो, आपकी फसल खड़ी फसल में अगर उनको लगता है कि इसमें वायरस है तो वो उसको जला सकती है सरकार, आपके घर में अगर रखी किसी सामान में अगर वायरस है ये शक है उसको जला सकती है सरकार, आपके घर से किसी को उठाना है आपको आपकी मर्जी के बिना आपको उठाना है, अगर बोलने वाले लोगों के निशानदेही हो रही है ना कि ये बहुत बोल रहे हैं वालिया साहब, इनका एक कांग्रेस का इलाज बांधना है, इनके अंदर वायरस है ले जाएंगे जबरदस्ती और 14 दिन के बाद कागज में लपेट के पकड़ा देंगे सफेद कागज में, लो पकड़ो, पहले भी तो पकड़ाए ना, टेस्टिंग करी है पहले भी, आपको सफेद चादर में लटका करके लपेट करके अपने बच्चे दिए हैं, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप उन्होंने, यही काम आने वाले वक्त में हो रहा है। उस पेंडेमिक ट्रीटी को एक बार डाउनलोड करके आप पढ़िएगा कितना खतरनाक लेवल पे WHO पूरी मेडिकल इमरजेंसी के जरिए पूरे देश के संविधान को डोमिनेट करने के लिए आ रहा है, दोबारा से सारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ध्वस्त होने वाला है, आपका सारा लोन खत्म, आपकी जमीनें बैंकों के पास चली जाएंगी, बैंक अगर अडानी के है अडानी का सारा कारोबार लंदन वॉल स्ट्रीट से चलता है और वॉल स्ट्रीट में जो अंग्रेज बैठे हैं वो इजरायलियों के बैठे हुए हैं, यानी जो 47 से पहले चला था कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था वो दिन फिर आ रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये पूरी दुनिया में इसी खेल के लिए थी, आपकी जमीन मकान मालिकाना हक सब कुछ चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज पर इनको कब्जा चाहिए, वही लोग आपके बीच के बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टियों के गुंडे बदमाशों के जरिए आपको फिर से गुलाम करने आ रहे हैं, अब की बार वो सीधा नहीं आएंगे, आपके ऊपर है, आप इस लड़ाई में प्रोएक्टिव होकर पहले हमला कर दोगे तो बच जाओगे, वरना बचने बचने ढाल बना बना के बैठे रहोगे। हमने ये तय किया है कि हम लोग लड़के मरने वाले हैं, सड़कर नहीं मरेंगे, क्योंकि जनता ही सरकार है। जय हिंद, जय भारत।